गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल एट होम. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 11, द वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज. तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ विजार्ड? विजार्ड से यहाँ मतलब है जादूगर या जादू. ये एक ट्रैवल और टूरिज्म के बारे में चैप्टर है. तो हम देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है. सो लेट्स स्टार्ट आर 11 चैप्टर. Dorothy lived with her small dog Toto on the bleak Kansas prairie. One day, dangerous cyclone swept across the prairie and picked up the house with Dorothy and Toto still inside. As the hour passed, Dorothy eventually fell asleep, and when they woke up, she and Toto were in a fantastical and strange land. To find her way back, she started her journey to the Emerald City. Now read on. तो ये एक कहानी है बच्चों, किसकी? एक डोरोथी नाम की लड़की है, उसकी ये कहानी है. उसमें देखेंगे, आगे देखेंगे हम कि कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं और उसके साथ कौन रहता है. उसका एक डॉग होता है, पैट डॉग, जिसका नाम क्या होता है? टोटो, है ना. तो वो कैंसास में रहती है, एक घास के प्रेयरी यानी घास के मैदान में उसका एक घर होता है, उसमें रहती है. और वो वहाँ पर क्या है, एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन आता है, तूफान आता है. तो वो क्या है, उसके डोरोथी के हाउस को, जब वो घर के अंदर वो और टोटो होते हैं, उन सभी को अपने साथ ले जाता है. कुछ घंटे बीत जाते हैं तो डोरोथी और उसका डॉग की जो होते हैं उसमें सो जाते हैं. और फिर जब उनकी आँख खुलती है, जब वो जागते हैं, तूफान शांत हो जाता है, तब वो क्या देखते हैं कि वो एक अजनबी जगह पर पहुंच गए हैं. अब वो अपना वापस जाने का रास्ता देखते हैं और एमरल्ड सिटी के लिए चल देते हैं. नेक्स्ट पैरा. डोरोथी कम अलोंग टोटो, वी विल गो टू द एमरल्ड सिटी एंड आस्क द ग्रेट ओज हाउ टू गेट बैक टू कैंसास अगेन. डोरोथी क्या करती है, अब टोटो को अपने साथ लेती है और चल पड़ती है एमरल्ड सिटी की ओर. और कहाँ के लिए जाने की के लिए एमरल्ड सिटी जाती है? क्यों जाना चाहती है? क्योंकि वो ग्रेट ओज के पास जाना चाहती है, जो कि एक जादूगर है. उससे वो अपने कैंसास का रास्ता पूछेगी. When she had gone to several miles, she came across a great corn field beyond the fence, and not far away she saw a scarecrow placed high on a pole to keep the birds from the ripe corn. While Dorothy was looking earnestly into the queer painted face and the end of painted face of the scarecrow, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. अब क्या होता है कि डोरोथी जब जा रही होती है, वो सेवरल माइल्स, कई मील चल लेती है, तब वो क्या देख उसके रास्ते में पड़ता है कि कौन फील्ड पड़ता है, या ना मक्की का खेत पड़ता है, मक्के का. और वो वहाँ पे देखती है कि एक स्कैरक्रो है. स्कैरक्रो बच्चों ये होता है ना, जो खेतों में लगाया जाता है, जिससे कि जो पक्षी होते हैं जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, वो उससे दूर रहता है, डरता है. तो पक्षियों को डराने के लिए स्कैरक्रो लगाया जाता है ना. तो वो देखती है, बीचों बीच खड़ा है. फिर वो डोरोथी क्या देखती है कि उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि वो एक आई अपनी विंक कर रहा है, यानी अपनी आंखें झपका रहा है, अपनी एक आई नहीं, सॉरी, दोनों आईज को झपका रहा है ना. यहाँ पे अर्नेस्टली, क्वीर का मतलब है, अर्नेस्टली का मतलब सीरियसली, और क्वीर मतलब स्ट्रेंज, अजनबी, है ना, स्केयरक्रो. गुड डे डोरोथी, डिड यू स्पीक? स्केयरक्रो बोलता है गुड डे. डोरोथी बोलती, क्या तुम बोले? स्केयरक्रो, सर्टेनली, हाउ डू यू डू? डोरोथी, आई एम प्रिटी वेल, थैंक यू, हाउ डू यू डू? वो पूछता है, हाँ, मैं सर्टेनली, निश्चित ही, मैं बोला, आप कैसी हैं? वो डोरोथी बोलती है, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? स्केयरक्रो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, फॉर इट इज़ वेरी टीडियस बींग पर्स्ड अप हेयर नाइट एंड डे टू स्केयर अवे क्रोज. वो कहता है, स्केयरक्रो बोलता है कि मैं तो ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही कठिन है मेरे लिए, टीडियस यानी बहुत कठिन है, कि यहाँ पर हमेशा
रुके खड़े रहना, एक पोजीशन में खड़े रहना दिन और रात क्रोस को भगाने के लिए। डोरोथी, कांट यू गेट डाउन, क्या तुम बैठ नहीं सकते? स्केयर क्रो, नो, फॉर दिस पोल स्टक अप माई बैक, इफ यू विल प्लीज टेक अवे द पोल आई शाल बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड यू। तो वो कहता है कि है ना, अगर तुम मेरा क्या है, मेरे पोल जो है मेरे बैग पे स्टक किया हुआ है, लगाया हुआ है ना, तो अगर तुम उसको रिमूव कर दो, हटा दो, तो मैं है ना तुम्हारा बड़ा ही थैंकफुल हूँगा, बहुत ही धन्यवाद दूंगा तुम्हें। डोरोथी रीज्ड अप द बोथ आर्म्स, है ना, डोरोथी क्या करती है, उसके दोनों आर्म्स से वो हटा देती है ना, और फॉर बींग स्टफ्ड द स्ट्रॉ इट वॉज क्वाइट लाइट, है ना, वो हटा देती है, उसकी इतनी मदद कर देती है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज। स्केयरक्रो, थैंक यू वेरी मच, आई फील लाइक अ न्यू मैन, नाउ टेल मी हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। डोरोथी, वो कहता है, धन्यवाद देता है डोरोथी को, और वो कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक नया जीवन मिल गया है, मैं फिर से जी उठाऊँ, अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। डोरोथी, माई नेम इज़ डोरोथी, आई एम गोइंग टू द एमरल्ड सिटी टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक कैंसास। तो वो कहती है कि मेरा नाम डोरोथी है और मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ ओज के पास, ग्रेट ओज के पास, अपने घर का रास्ता वापस पूछने के लिए कैंसास का। स्केयरक्रो, वेयर इज द एमरल्ड सिटी एंड हु इज ओज। डोरोथी, वाई डोंट यू नो, क्या तुमको, क्यों तुमको पता नहीं है? स्केयरक्रो बोलता है, नो इंडीड आई डोंट नो एनीथिंग, यू सी आई एम स्टफ्ड सो आई हैव नो ब्रेन एट ऑल। तो वो कहता है स्केयरक्रो कि नहीं, मैं नहीं जानता, तुमने देखा नहीं, मैं एक तरीके से बनाया हुआ हूँ, स्टफ्ड, यानी उसमें देखा जाता है ना, मटकी के ऊपर घास वास लगा दी जाती है, ऐसा बनाया जाता है, पेंटेड फेस होता है उसका, तो मेरे अंदर तो ब्रेन ही नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। डोरोथी, आई एम ओ फुल सॉरी फॉर यू। डोरोथी को बड़ा बेकार लगता है, मतलब सॉरी फील होता है उसको कि मैंने इससे ये क्वेश्चन क्यों किया। स्केयरक्रो, डू यू थिंक इफ आई गो टू द एमरल्ड सिटी विथ यू, ओज वुड गिव यू सम ब्रेन। वो कहता है स्केयरक्रो कि तुम्हें लगता है कि अगर मैं एमरल्ड सिटी तुम्हारे साथ चलूँ तो ओज मुझे थोड़ा सा ब्रेन देगा। डोरोथी, I cannot tell you, but you may come with me if you like. If Oz will not give you any brain, you will be no worse off than you are now. तो वो कहती है, डोरोथी कहती है कि मुझे ही पता नहीं है कि वो तुम्हें दिमाग देगा या नहीं, है ना, मैं कह नहीं सकती इस बारे में कुछ, बट क्या है, अगर वो तुम्हें थोड़ा सा ब्रेन दे देता है तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, वो नहीं भी देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। स्केयरक्रो, दैट इज़ ट्रू, यू सी आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म एंड माई बॉडी बींग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट इफ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज एंड स्ट्रिक ए पिन इन टू मी, इट डजेंट मैटर फॉर आई कांट फील इट, बट आई डो नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल। अब वो स्केयरक्रो बोलता है कि अगर मेरी बॉडी जो है स्टफ्ड है, अगर कोई मुझ में पिन चुभोता है, मेरे आर्म्स में, लेग्स में, या कील चुभोता है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं स्टफ्ड हूँ, मुझे हर्ट नहीं होता, लेकिन अगर मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे क्या बोलें, फूल बोलें, यानी मूर्ख बोलें। डोरोथी, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, इफ़ यू विल कम विथ मी आई आस्क ओस टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। डोरोथी बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा फील करते हो, और मैं, यदि तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं उससे तुम्हारे लिए कहूँगी कि वो तुम्हारे लिए जो कर सकता है वो करें। स्केयरक्रो, थैंक यू, एंड दे स्टार्टेड अलोंग द पाथ ऑफ येल्लो ब्रिक्स फॉर द एमरल्ड सिटी। आफ्टर एन आर और सो द लाइट फेडेड अवे एंड दे फाउंड देमसेल्व स्टम्बलिंग अलोंग द डार्कनेस। अब वो चलना शुरू कर देते हैं एमरल्ड सिटी की ओर, है ना, वो चलते चलते अंधेरा पड़ जाता है तो थक जाते हैं वो लोग। डोरोथी, इफ़ यू सी एनी हाउस एनी प्लेस वेयर वी कैन पास द नाइट, यू मस्ट टेल मी फॉर इट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल वॉकिंग इन द डार्क। डोरोथी बोलती है अगर तुमको कोई घर या ऐसी जगह दिखाई दे जहाँ पे हम नाइट अपनी रात गुजार सकते हैं तो
प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि अब मेरे लिए ये बहुत कठिन हो रहा है पैदल चलना अंधेरे में। स्केयरक्रो, आई सी अ लिटिल कॉटेज एट राइट ऑफ अस, मैंने राइट साइड में एक लिटिल कॉटेज देखा है, शैल वी गो देयर, क्या हम वहाँ चलेंगे? नाउ नेक्स्ट पेज, डोरोथी, यस इंडीड आई एम ऑल टायर्ड आउट, वो भी कहती है हाँ मैं भी बहुत थक गई। सो द स्क्वायर क्रू लेड हर थ्रू द ट्रीज एंड ट्रीज अंटिल दे रीच द कॉटेज एंड डोरोथी सून फेल इन टू साउंड स्लीप व्हेन शी वोक अप। टोटो हैड लॉन्ग बीन आउट चेजिंग बर्ड्स अराउंड हिम एंड स्क्वायरल्स। When she had finished her meal and was about to go back to the road of yellow bricks, she was startled to hear a deep groan nearby. अब डोरोथी और वो क्या है, उस कॉटेज में रुक जाते हैं, सो जाते हैं। अब जब उनकी सुबह नींद खुलती है तो वो चिड़िया चहचहा रही होती हैं, स्क्वायरल और ये गिलहरी के पीछे, बर्ड्स के पीछे उनका जो डॉग होता है टोटो भाग रहा होता है। फिर वो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद वो वापस येलो ब्रिक्स की तरफ, रोड ऑफ येलो ब्रिक्स की तरफ चल देते हैं। जब वो जा ही रहे होते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है और थोड़ा सा डरते भी हैं। स्टार्टल्ड मीन्स मतलब शॉकिंग और डरने जैसी एक स्थिति, क्योंकि वहाँ पे उनको एक ग्रोनिंग साउंड आता है। ग्रोनिंग साउंड मीन्स कराहने की आवाज़। डोरोथी, व्हाट वाज दैट? स्केयरक्रो, आई कैन नॉट इमेजिन बट वी कैन गो एंड सी। वन ऑफ बिग ट्री हैड बीन पार्सली चॉप्ड थ्रो एंड स्टैंडिंग बिसाइड इट विथ एन अपलिफ्टेड एक्स इन हिज हैंड वॉज ए मैन मेड एंटायरली ऑफ टिन। हिज हैड आर्म्स एंड लेग्स वर जॉइंटेड अपॉन हिज बॉडी बट ही स्टूड परफेक्टली मोशनलेस एज इफ ही कुड नॉट स्टिर एट ऑल। डोरोथी लुक्ड एट हिम इन अमेजमेंट एंड सो डिड द स्केयरक्रो व्हाइल टोटो बार्क शार्पली एंड मेड ए स्नैप एट द टिन विच हर्ट हिज टीथ। अब क्या होता है कि है ना, स्केयरक्रो बोलता है कि पता नहीं, मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कौन करा रहा है, किसकी आवाज़ है ये। तो वो कहता है कि देखते हैं, वो वन एक बड़ा सा ट्री होता है कटा हुआ, वहाँ वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक आयरन मैन जिसके हाथ मोशनलेस है, जो कि उसकी पूरी बॉडी कैसे बनी है, टिन मैन है, मतलब आयरन मैन बोल रही हूँ, सॉरी टिन मैन, बात तो एक ही है, और उसके हेड है, आर्म है, लेग है, पर जॉइंटेड हैं, सारी बॉडी बनी हुई है लेकिन वो मोशनलेस है, यानी चल फिर नहीं सकता। डिड यू ग्रोन, डोरोथी उससे पूछती है, डिड यू ग्रोन? टिन मैन, यस आई डिड हैव बीन ग्रोनिंग फॉर मोर देन ए ईयर एंड नो वन हैज़ एवर हर्ड मी बिफोर और कम टू हेल्प मी। टिन मैन बोलता है कि हाँ मैं कर तो एक साल से, मोर देन वन ईयर, एक साल से भी ज़्यादा से करा रहा हूँ, पर किसी ने मेरे कराने को नहीं सुना और ना ही कोई मेरी मदद के लिए आया। डोरोथी, वाट कैन आई डू फॉर यू? टिन मैन, गेट एन ऑयल can and oil my joints. They are rusted so badly that I cannot move them at all. If I well oiled, so I shall soon be all right again. If you will find an oil can on a shelf in my कॉटेज, वो कहता है कि तुम मेरे कॉटेज में जाओ, वहाँ से एक ऑयल कैन लेकर आओ, वहाँ पर एक ऑयल कैन रखी हुई है, और मेरे जॉइंट्स में जंग लग गई, रस्टेड यानी जंग लग जाना, बुरी तरीके से जंग लग गई है, तुम उनमें सभी में जॉइंट में मेरे ऑयल लगा दो, है ना, तो अच्छा रहेगा। डोरोथी, वेयर आर योर जॉइंट्स? वो कहती है तुम्हारे जॉइंट्स कहाँ हैं? टिन मैन, ऑयल माई नेक फर्स्ट देन ऑयल माई जॉइंट्स इन माई आर्म्स। तो वो कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे गले पर, नेक पर ऑयल लगाना, फिर मेरे आर्म्स पर। एंड डोरोथी ऑयल देम एंड स्केयरक्रो बैंड देम केयरफुली अंटिल दे वर क्वाइट फ्री फ्रॉम द रस्ट एंड एज गुड एज न्यू। अब डोरोथी उनको ऑयल लगाती है, स्केयरक्रो वहाँ पे ही बैठ जाता है ना, और वो लगा देती है, उसको रिलीफ भी मिलता है। टिन मैन, दिस इज़ अ ग्रेट कम्फर्ट, आई हैव बीन होल्डिंग दैट एक्स इन द एयर एवर सिंस आई हैव रस्टेड एंड आई एम ग्लैड टू बी एबल टू पुट इट डाउन एट लास्ट। नाउ
इफ़ यू विल ऑयल जॉइंट्स माई लेग्स आई शाल बी ऑल राइट वंस मोर। सो दे ऑयल्ड हिज लेग अंटिल ही कुड मूव दैम ई फ्रीली। अब वो क्या कहता है कि टिन मैन को काफ़ी रिलीफ मिलता है, वो उनकी थैंक बोलता है कि, और वो यूँ कहता है कि अगर तुम मेरे पैरों में भी अगर थोड़ा सा ऑयलिंग कर दो तो मैं अच्छे से मूव कर सकता हूँ, फ्रीली चल सकता हूँ, है ना। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू। सेकेंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।